गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मीता बिश्नोई। आज मैं अपने गार्डन से आपको कुछ बहुत ही कॉमन प्लांट्स जो आम होते हैं और आपको मिल भी जाते हैं, इजी टू केयर होते हैं और सबको उनका नाम भी पता होता है और मैं काफ़ी श्योर हूँ कि उनका उनको केयर भी अंदाज़ा होता है कि कैसे केयर करें। तो गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स मैंने लगाए हैं मगर उनमें से जो कॉमन प्लांट्स हैं तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी। और शुरुआत करेंगे ऐसी गार्डनिंग से जो आपको स्ट्रेस ना दे। तो आइए, सबसे पहला प्लांट मैं लेती हूँ, स्पाइडर प्लांट। ये है वो स्पाइडर प्लांट, और जितने भी प्लांट बताऊंगी सारे इंडोर एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स होंगे। और दूसरी खूबी होगी ईजी टू केयर, इनडोर भी रख पाएंगे आप और इनको अलग अलग तरीके से आप लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात आगे बता रही हूँ कि वो आप प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, इसके मतलब आप उनको मल्टीप्लाई करके अपने गार्डन में एक की जगह खूब सारे प्लांट्स बना सकते हैं। आप घर के अंदर भी इंडोर भी रख सकते हैं, टेबल पे थोड़ी ब्राइट लाइट हो मगर अंदर। तो ये एक स्पाइडर प्लांट की हैंगिंग बास्केट है और ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत खूबसूरत लगता है। अलग अलग तरीके की हैंगिंग बास्केट्स आप ला के लगा सकते हैं। ये प्लांट की ये खूबी है कि ये किसी भी प्लांट के साथ रखा हुआ बहुत अच्छा लगता है। ग्राउंड कवर की तरह भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा केयर नहीं है, खराब हो भी जाता है तो आप इनके स्पाइडर्स से इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि स्पाइडर्स इसके निकलते कैसे हैं। ये एक और स्पाइडर प्लांट है जो मैंने कॉयर की बास्केट में लगाया हुआ है और ये काफ़ी पुराना है, काफ़ी दिनों से इसमें है और इनमें मैच्योरिटी पे ऐसे स्पाइडर्स आते हैं। ये देखिए, ये इसके स्पाइडर्स हैं और ये प्लांट है मेन, और स्पाइडर्स निकलते हैं और स्पाइडर्स से आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए अब दूसरा प्लांट देखते हैं हम लोग ने कौन सा बहुत कॉमन प्लांट लिया है। दूसरा प्लांट लिया है सिंगोनियम का। सिंगोनियम में बहुत वैरायटीज आती हैं और कई वैरायटीज तो इतनी खूबसूरत होती हैं, होती तो सारी ही खूबसूरत है मगर मेरे को ये कलर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये गार्डन में ये ग्रीन थोड़ा सा डिफरेंट ग्रीन है, थोड़ा नियॉन सा कलर है और ये भी बहुत इजीली मल्टीप्लाई होते हैं। आप इनको डिवाइड भी कर सकते हैं, इनको आप कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक कॉम्बिनेशन कंटेनर बनाया है, इसमें दो तीन प्लांट्स इकट्ठे हैं कलर के हिसाब से, मनी प्लांट है, पर्पल हार्ट है और ये हमारा खूबसूरत टफ सिंगोनियम। तो ये सिंगोनियम सेकंड प्लांट है। एक देखिए, ये दिखा रही हूँ मैं छोटे कंटेनर्स में, मैंने इसमें पैरापेट वॉल पे रखा हुआ है। इसकी लीव्स देखिए कितनी छोटी छोटी हैं, अगर आपको हाथ से दिखाऊं तो देखिए इनकी लीव्स कितनी महीन महीन है। ये भी एक सिंगोनियम की ही वैरायटी है, ये छोटे गमलों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ गमले छोटे होंगे आपके पास, स्टैंड पे रखना चाहेंगे इंडोर के लिए, तो उनके लिए ये सारे जितनी भी छोटी लीव्स वाले प्लांट्स हैं सिंगोनियम के, ये आप यूज़ कर सकते हैं। अब तीसरा प्लांट हम लोग देखते हैं, मनी प्लांट। मनी प्लांट तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड ओवर सबका बहुत फेवरेट है, ये कई वैराइटीज़ में आ जाता है, कुछ में वेरिएशन थोड़ा ज़्यादा होता है, कुछ छोटी लीव्स वाला होता है, कुछ बड़ी लीव्स वाला मनी प्लांट होता है। इसको मॉस्टिक पे लगाते हैं तो इसकी साइज़ लीव का बड़ा हो जाता है और वैसे ट्रेल कराते हैं, जैसे मैंने इसको हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है तो इनकी लीव्स का साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाता है मगर लगता बहुत ही खूबसूरत है। तो चाहे आप इसको छोटे कंटेनर्स में लगाएं, जैसे ये मैंने छोटे कंटेनर्स में लगाया हुआ है, कुछ प्लांट्स सिंगोनियम भी छोटे में हैं तो ये छोटे में अच्छा लगता है और अगर हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो हैंगिंग बास्केट में बहुत प्रिटी लगता है। अब आखिरी प्लांट मैंने लिया है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट एक बहुत ही अच्छा इंडोर एयर प्योरीफाइंग प्लांट है। इसकी एयर प्योरीफाइंग क्वालिटीज़ तो जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। नासा भी कहता है कि ये बेडरूम के लिए बहुत ही अच्छा एक प्लांट है, खूबसूरत है ही, ब्यूटी के अलावा इसमें बहुत क्वालिटीज़ हैं। इजी टू ग्रो है, कम लाइट में ग्रो करता है, डिम लाइट अगर है आपके बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, तब वहाँ पर चल जाता है,
इसके अलावा ये प्रोपोगेट इजीली कर सकते हैं, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, कुछ ही दिनों में भर जाएगा गमला और वो गमले को एक की जगह दो कर सकते हैं। इनको आप छोटे गमलों में भी लगा सकते हैं जैसे यहाँ लगे हुए हैं, और ये सबसे कॉमन वैरायटी है स्नेक प्लांट की, और कई वैरायटीज़ और भी आती हैं, बहुत वैरायटीज़ आती हैं। स्नेक प्लांट छोटे से छोटे गमले में लग जाता है, देखिए कितने छोटे से एक पॉट में लगा हुआ है। इसी का बड़ा वाला प्लांट दिखाती हूँ मैं आपको, ये है, तो ये कितना खूबसूरत है। इसी तरीके के बहुत सारी वैरायटीज़ आएंगी, आप उनमें से चूज़ कर सकते हैं, जो अच्छा लगता है वो आप अपने घर में लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।